नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ वंशिका पांडे। राज्य सरकार द्वारा ऑफलाइन परीक्षा लेने के निर्णय का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी कड़ी में बिलासा गर्ल्स डिग्री कॉलेज की सैकड़ों छात्राओं ने बिलासपुर कलेक्टर पहुंचकर अपना विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की और साथ ही साथ छात्राओं ने ऑनलाइन परीक्षा नहीं ली जाने पर परीक्षा के बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी है। आइए देखते हैं इस पे बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। छात्राओं का आरोप है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए वे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं और विरोध स्वरूप बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंची छात्राओं का आरोप है कि कोरोना महामारी के चलते आसपास के क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं की आर्थिक स्थिति भी खराब चल रही है और ऐसे में ऑफलाइन परीक्षा के इस निर्णय में रूम किराए में लेकर पढ़ाई शुरू करना असंभव है और छात्रावास बंद होने के कारण भी छात्र छात्राओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे कॉलेज में काफ़ी सारी लड़कियां 5000 करीब की लड़कियां बाहर से हैं, वो उनको करोना है, हमको करोना है पता नहीं है। हम साथ में सारे बैठेंगे, हमको करोना होगा और उनके रहने का कभी बंदोबस्त नहीं है, कैसे करेंगे। बिलासपुर कलेक्टर के नाम पर सौंपे गए ज्ञापन में छात्राओं ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि यदि उनकी मांगे पूर्ण करते हुए राज्य शासन जल्दी ही परीक्षा ऑनलाइन नहीं लेती तो वह परीक्षा का बहिष्कार करेंगी और उनके बर्बाद होने वाले भविष्य की पूरी जिम्मेदारी राज्य शासन की होगी। हम लोग ऑनलाइन एग्जाम चाहिए। यदि ऑनलाइन नहीं होती है तब ऑफलाइन कोई नहीं बहिष्कार करेंगे। छात्राएं हैं जो ऑनलाइन एग्जाम की मांग को लेकर के यहाँ ज्ञापन दिए हैं, ये सातनेश्वर की बात है, ये ज्ञापन हम सही मंच तक हम पहुँचा देंगे। ये सेल्फ यहाँ डिसीजन लिया जा सकता है बोल रहे हैं छात्रों के द्वारा? नहीं, ये किसी स्तर में नहीं, वो तो सातनेश्वर की बात है। तो ये थी बिलासपुर जिले से जुड़ी बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।